संसद सत्र का शुक्रवार 28 जून को पांचवा दिन है, तो वहीं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आज से चर्चा शुरू हुई, लेकिन कार्यवाही शुरू होते ही 15 मिनट में ही सदन में 12 बजे तक के लिए स्थगन प्रस्ताव ला दिया गया, स्थगित कर दिया गया। और विपक्ष नीट पर चर्चा की मांग को लेकर स्थगन प्रस्ताव लाया था, जिस पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा है कि नियमों के मुताबिक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद के बीच स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जाता। इधर संसद में जाने से पहले राहुल गांधी ने कहा कि मैं पीएम से रिक्वेस्ट करता हूं कि नीट मामले पर रिस्पेक्टफुली चर्चा करनी चाहिए, देश के युवा घबराए हुए हैं, उन्हें नहीं पता कि क्या होने वाला है, संसद से यह मैसेज जाना चाहिए कि सरकार और विपक्ष उनकी चिंताओं को लेकर एक साथ है। और यूनानिमस था कि आज हमें नीट का जो इशू है उस पर डिस्कशन चाहिए। हिंदुस्तान के स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूं, ये आपका इशू है और हम सबको लगता है, इंडिया गठबंधन को लगता है कि आज सबसे जरूरी बात आपकी है, क्योंकि आप हिंदुस्तान के भविष्य हो। तो हमें लगा कि यहां पे पार्लियामेंट हाउस में नीट पे डिस्कशन हो और उसके बाद प्रेसिडेंट्स एड्रेस हो पाए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्रधानमंत्री जी को कि ये युवाओं की इशू है और अच्छी तरह प्यार से डिस्कशन होना चाहिए, रिस्पेक्टफुली डिस्कशन होना चाहिए। हम रिस्पेक्टफुली करेंगे, आप भी डिस्कशन में ज्वाइन कीजिए, आप भी भाग लीजिए और रिस्पेक्टफुली, क्योंकि ये युवाओं का मामला है। तो हम चाहते हैं युवाओं को मैसेज मिले, घबराए हुए हैं, उनको ये नहीं मालूम कि क्या होने वाला है नीट में, तो पार्लियामेंट से मैसेज जाना चाहिए, उनको भरोसा मिलना चाहिए कि हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान का ऑपोजिशन एक साथ मिलकर स्टूडेंट। और दिल्ली एनसीआर में गुरुवार 27 जून को प्री मानसून बारिश शुरू हुई, जो कि शुक्रवार 28 जून को भी जारी है, तो वहीं रात में हुई तेज बारिश के कारण दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में टर्मिनल 1 की छत गिर गई। घटना नई दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है, जहां एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत गिर गई और हादसे की चपेट में कई टैक्सियां आ गई और इसमें बैठे 6 लोग घायल हो गए। दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारियों ने बताया है कि घटना शुक्रवार सुबह 5 बजे हुई, तो वहीं गाड़ियों में फंसे लोगों को निकालने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। टर्मिनल 1 की छत की सीट के अलावा सपोर्ट बम भी ढह गया है और इससे टर्मिनल के पिकअप और ड्रॉप एरिया में खड़ी कारों को नुकसान पहुंचा है। दमकल की 3 गाड़ियां एयरपोर्ट पर राहत बचाव में जुटी हुई है, तो वहीं घटना स्थल पर रेस्क्यू टीम में काम कर रही है, बचाव अभियान अभी भी जारी है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।